और इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है खरगोन से, जहां बंसल न्यूज की खबर का असर हुआ है। जिला सहकारी बैंक के एमडी को पद से हटा दिया गया है। खरगोन से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बेटों को बैंक में नौकरी देने का एमडी पर आरोप है। बंसल न्यूज लगातार इस खबर को दिखा रहा था, नियम विरुद्ध नियुक्ति देने का एमडी पर आरोप। इस खबर को दिखाए जाने के बाद विभागीय जांच में यह खुलासा हुआ और जिला सहकारी बैंक के एमडी को पद से हटा दिया गया है। फरीद शेख हमारे सहयोगी फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। फरीद, अब काम किया जा रहा है, कदम उठाए जा रहे हैं खबर दिखाए जाने के बाद? मैं बताना चाहूँ की बंसल ने इसकी खबर सही है सर। इसमें बैंक के जो एमडी नानक राम जी मंडलो है, उनके द्वारा जो दो पुत्रों को नियुक्ति पर किया बैंक में नियुक्ति दी गई थी, साथ ही 42 संविदा कर्मियों को रखा गया नियमित के विरुद्ध, तो साथ ही उन्हें नियमित भी कर दिया गया। हालांकि इस मामले में संचालक मंडल और अध्यक्ष भी पूरी तरह से संलिप्त है, लेकिन वो मामला पूरे अभी जांच में चल रहा है। लेकिन फिलहाल इस मामले को बाला बच्चन द्वारा जो विधानसभा में उठा गया था, गोपाल भार्गव जी द्वारा जांच के निर्देश दिए गए, जांच के बाद जो आपके सामने आई जगदीश कनौजी के आदेश से स्पष्ट रूप से एमडी को पद से हटा दिया गया, बाकी कार्रवाई अभी जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। फरीद शेख हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। बंसल न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद अब कार्रवाई की गई है। जिला सहकारी बैंक खरगोन के एमडी को पद से हटाया गया है। जांच में यह खुलासा हुआ था विभागीय जांच में, इसके बाद सदन में भी ये मामला गूंजा और अब कार्रवाई की जा रही है।